हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम टू एवरीवन इन ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस। आइए अब वचन में चलते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहा है। इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 6 को पढ़कर हम आज एक चमत्कार को देखेंगे। किस तरीके से विश्वास के द्वारा चमत्कार उस वक्त हुआ और हमारे जमाने में कैसे होगा, इन बातों के ऊपर थोड़ी सी हम गहरी बातों को देखेंगे। फिर उसके बाद तुरंत हम आपके लिए दुआ के लिए हम शुरुआत करेंगे। विश्वास विश्वास के बिना संतोष बिना अशक्य है। उसे प्रसन्न करना अनहोना है, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाले ने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की, ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि तो आहे, वो है, वो कल आज युगानुयुग एक समान है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी जीवन की रोटी है, वो मेरा जीवन का पानी है, वो मुझे चंगाई देने वाला है। वो अतीत में था अब्राहम के साथ, वो हमारे साथ है और हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। यहाँ पे विश्वास की एक क्रिया की बात बताई जाती है, ये जिंदा विश्वास के बारे में बाइबल हमें बताती है। इब्रानी 11:6 में उसके पास जाने वाले ने ये विश्वास रखना चाहिए कि जो खुदावन ने मुझे 2019 में संभाला वो 2020 में भी मुझे संभालेगा, जिस खुदावन ने मुझे बड़े संकट से संभाला वो खुदावन मुझे आज भी संभालेगा, क्योंकि वो है। कितने आए और कितने गए, लेकिन हमारा है। हालेलुया। कुछ लोग कहते कि बिकॉज ही वॉज, बट हम कहेंगे आज बिकॉज ही इज। वो है उसको कहा जाता है जो जीवित है, वॉज उसको कहा जाता है जो बीत गया। लेकिन भले ही जो अब्राहम के साथ था, अब्राहम के हजारों पुष्टों का आशीषित करने वाला वो यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे से आगे हजारों पुष्टों को आशीषित करने वाला होगा। हालेलुया। आज हमारे विश्वास में ये बात होनी चाहिए कि जिस खुदावन के पास हम आते हैं वो खुदावन है। इतने चिंता मत करो, वो कहता है मैं हूँ ना, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, वो कहता है मैं हूँ, मैं था नहीं मैं हूँ, चिंता मत कर, आज मैं तुझे सभी बातों से आशीषित करूंगा। तेरी बीमारी है, तेरी घर की गरीबी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, प्रमोशन रुका हुआ है, बिजनेस चलने रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई में दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है, मियां बीवी की दिक्कत है, इन सभी परिस्थितियों में वो कहता है मैं हूँ। हालेलुया। उसके पास जाने वाला आज जो कोई भी आज विश्वास उसके पास आएगा, उसके भीतर एक जिंदा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदा विश्वास इसलिए चाहिए कि हमारा खुदावन जिंदा है। और मैंने विश्वास के बारे में 5 बातें बताई थी। विश्वास के अंदर 5 बातें, विश्वास में विश्व है, विश्वास में श्वास है, विश्वास में हमें आस दिखती है, विश्वास में ईश है और विश्वास में आस है, वास है। ये 5 चीजें विश्वास के अंदर रखी हुई है। ये पवित्र आत्मा ने दिया हुआ रेवलेशन है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। विश्वास के जो पहले 2 शब्द है उसमें आता है विश्व, विश्व मतलब होल यूनिवर्स। उसके 2 शब्द जब देखते श्वास, वी को निकालेंगे तो श्वास, तो विश्वास के अंदर श्वास है और जिसके अंदर श्वास होती है ना वो जिंदा होता है। हालेलुया। विश्वास के अंदर ईश है, विश, उसका अगर वी निकालेंगे तो ईश, ईश मतलब परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहता है जिसने इस दुनिया पे फतेह पाई है वो है हमारा विश्वास, और वो हमारा विश्वास मतलब खुद यीशु मसीह, क्योंकि वो विश्वास का परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास में विश्व है, श्वास है, ईश है, और आखिरी 2 शब्द हम श्वास में अगर देखेंगे, अगर श को निकालेंगे तो विश्वास में हमें आस दिखती है, जिसे हम आस रख सकते, जो हमें कभी लज्जित नहीं करेगा, जिसे हम आस रखते वो हमें आशीषित करेगा। और विश्वास में आखिरी शब्द आता वास, मतलब उसकी मौजूदगी। जो गीत हमने गाया वो मौजूद है, जिसके अंदर वो विश्वास है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सेवकाई में, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे भविष्य में, मेरे वर्तमान में, मेरा यीशु मेरे साथ है। उसने कहा कि मैं दुनिया का उजाला हूँ। उसने क्या कहा, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का ये वायदा है, वो कहता है मैं हूँ, और उसी विश्वास के साथ आज बाइबल हमें कहती है उसके पास जाने वाले ने ये विश्वास रखना चाहिए कि वो है, वो है। इस बात के ऊपर अगर अमल करके जाएंगे और उसके साथ आगे क्या कहता है, आनी शोध करना आ उसको दिलो जान से वो जो ढूंढेगा,
ये विश्वास करने का मेरा खुदावन मेरे साथ है, भले मेरे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, हालात मेरे विपरीत है, हालात मेरे खिलाफ है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया, कोई मुझे अपना नहीं कहता है, लेकिन ये है जो माँ से भी अधिक प्यार करता है, जो मेरे साथ है, ये विश्वास है, जो उसको दिलोजान से ढूंढता है, जो उसको दिलोजान से उसको खोजता है, हाँ, तो प्रतिफल देने वाला है, वो उसको इनाम देने वाला है। हालेलुया। मैं कैसे खोजता हूँ? खोजने के लिए विश्वास की ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा खुदावन है, और उसी वचन की रोशनी में जो उसको खोजता है, जो अंधेरे में उजाला लेकर आता है, जो बीमारी में चंगाई लेकर आता है, जो कंगालपन में बरकत को लेकर आता है, जो अपमान में सम्मान को लेकर आता है, जो गड्ढे से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। इस विश्वास से अगर आप उसके पीछे चलोगे तो मुझे आपको बताना है, कोई माइका लाल आपको इनाम से पराजित नहीं कर सकता है, कोई माइका लाल आपके आशीष को निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आपके जिंदा विश्वास के द्वारा आप जयवंत हो। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा था, जंग खुदावन की है और फतेह हमारी है। अगर इस विश्वास से अगर हम चलेंगे, बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस, अगर इस विश्वास से हम कदम बढ़ाएंगे तो मुझे आपको बताना है, हर दिन फतेह आपकी है। एवरी डे विक्ट्री बिलोंग्स टू यू। आपको हारने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका लड़ने वाला खुदावन, जैसे मूसा ने इसराइलियों को कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। आज की रात उठते हुए परमेश्वर उस नजात के कामों को करेगा, जो आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इन सभी क्षेत्रों में आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक और अद्भुत बातें यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन में आपके जा रहा है। आइए हम आज दो अंधों के जीवन को देखेंगे, उनकी विश्वास की कुछ क्रियाओं को देखेंगे, जिन्होंने इसी पुरानी 11:6 के अनुसार उन्होंने सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने चर्चा सुनी थी, और वो चर्चा क्या थी? याइर की बेटी मर गई थी, लोग मातम मना रहे थे, और उसी मातम में यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ आकर कहता है, चुप बैठो, बच्ची मरी हुई नहीं है, सोई हुई है। और वहां पे उसने बच्ची का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर इफ्फाता कहकर कहा कि लड़की उठ जा। और बाइबल कहती है कि यह चर्चा सब जगह पे फैल गई। अब उस चर्चा के बाद तुरंत दो अंधों को हम देखते हैं, मत्तई का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और वचन 27 से आगे हम देखेंगे। यहाँ पर एक चमत्कार को हम आज फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से, शायद ये प्रीचिंग आपने सुना होगा, लेकिन हम इस हीलिंग मीटिंग में, इसलिए हीलिंग के ऊपर कुछ प्रचार करके करने के बाद ही हम प्रार्थना में चलेंगे, चलेगा आगे। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, वहाँ से मतलब कहाँ से? एक मुर्दा जिलाया गया, एक आराधनालय का सरदार, एक बड़ी हस्ती थी, एक बड़ी वहाँ पे उसकी पहचान, वो याइर जो था ना, जाइरस जो था ना, एक बड़ा नामवंत व्यक्ति था, एक बड़ा वहाँ पे फेमस व्यक्ति था, उसकी बेटी मरी हुई थी, यीशु ने इफ्फाता कहते हुए उसको मौत से उठाया। और ये घटना होने के बाद बाइबल कहती है यीशु वहाँ पे उसी मिराकल को लेकर अपने आप को फेमस करते नहीं बैठा। यीशु वो मिराकल होने के बाद यीशु सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहा था। और बाइबल कहते है जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, अभी यहाँ पे हम विश्वास की कुछ बातें देखेंगे। दो अंधे, एक नहीं है, यहाँ पे दो अंधे यीशु के पीछे पीछे ये पुकारते आए। अभी सवाल ये आता है, ये यीशु के पीछे क्यों कैसे आए? बाइबल कहता है विश्वास कैसे आता है, रोमियो 10:27 कहता है विश्वास सुनने से, अब सुनना मसीह के वचनों से। जब हम सुनते हैं, अब वो बात अगर हमारे जीवन में कुछ काम करती है तो वो हमारा विश्वास बनता है। छोटी छोटी बातों में हम अगर किसी के कपड़े देखते और कहते कहाँ से लिया, अरे फलाने फलाने जगह से लिया, अच्छा है, रेट अच्छा है, अब उसका सुनकर हमारे अंदर ये विश्वास आता है, चलो अभी हम भी वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाएंगे। कहीं पर खाने की बात होती है, अच्छा खाने, हाँ चलो, वो होटल वाला हमको कुछ देता नहीं है, वो टेलर या वो कपड़े का दुकान वाला हमको कुछ देता नहीं है, लेकिन हम सुनने के बाद तुरंत विश्वास, लेकिन ये नाशवान बातें हैं, लेकिन अविनाशी बातें। इन अंधों ने सुना कि यीशु नासरी ने याइर की मरी हुई बेटी को जिंदा किया, और
जब यीशु उनके नगर से जा रहा था तब उसने वो सुना था, अरे जिसने वो चमत्कार किया ना वो यहाँ से जा रहा है। पहली बार उसने विश्वास से सुना। बहुत सारे लोग सुनने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारे लोग आधा सुनते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं सुनते, इसलिए उनके जीवन में विश्वास के बड़े बड़े काम नहीं होते। आज आपको और मुझे एक बात पल्ले रखनी होगी कि आप परमेश्वर की ओर से ठीक से सुनेगा। एक अच्छा व्यक्ति की पहचान क्या है? जो बेहतरीन सुनता है ना वही बेहतरीन बात करता है। नीति वचन कहता है मूर्ख सुनने से पहले बात करता है, इसीलिए उसका नुकसान होता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है, वो सुनता है अच्छी तरीके से फिर वो किसी को बताता है, नहीं तो आधी अधूरी बात सुनकर बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। बाइबल का परमेश्वर हमें यहाँ पे दिखाता है, इन अंधों ने वो चमत्कार को सुना और सुनने के बाद विश्वास से सुने और विश्वास से चले। हालेलुया। कानों ने विश्वास से सुना, जैसे विश्वास अंदर आ गया पैर विश्वास से चलना शुरू कर दिया। बाइबल कहता है कि हमारा पूर्वज हनोक विश्वास से 300 साल परमेश्वर के पीछे चला। हमारे इब्राहिम विश्वास से परमेश्वर के पीछे ना संतान मिलने के बाद भी 25 साल वो विश्वास से चला। हमें पता है नू जिसके जीवन में परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया परमेश्वर से सुनने के बाद वो विश्वास से चला, भले दुनिया मजाक उड़ा रही थी, चाहे दुनिया आपको मजाक में उड़ाए या चाहे दुनिया आपकी प्रशंसा करे, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम विश्वास से चले। वी शुड वॉक इन फेथ। हमें हर हालात में, दुनिया के हालात कुछ भी हो, लोग हमें क्या कहते कहने दो, लेकिन हमें सुनने के बाद विश्वास से चलना जरूरी है, क्योंकि यही बातें हमें आशीष की ओर लेकर जाती है। क्योंकि 11:6 में देखा है जो विश्वास ये रखता है कि वो है और उसको दिलो जान से खोजता है वही इनाम को पाता है। हालेलुया। ये अंधों के जीवन में हमें एक बात दिखती है, उन्होंने सुना, सुनने के बाद वो यीशु के पीछे पीछे चल रहे। मुझे आप बताने के लिए बहुत दुख होता है, बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं जो खुद को मसीह कहलाते हैं लेकिन वो यीशु के पीछे पीछे नहीं, वो दुनिया के पीछे पीछे चलते हैं। जब जरूरत होती तब यीशु के पीछे आते हैं, जब जरूरत खत्म होती तब दुनिया के पीछे जाते हैं। एक सच्चे मसीह की पहचान है जिसे फायदा हो या नुकसान हो, जिसे अपमान मिले या सम्मान मिले, जिसे चंगाई मिले या उसको बीमारी मिले, जिसे बरकत मिले या गरीबी मिले, लेकिन वो हर हालात में यीशु के पीछे चलता है वही एक सच्चा मसीह है। हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने अपने पैरों को भी विश्वास से, शरीर के अंगों को यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बाइबल कहती है वो यीशु के पीछे पीछे चले और आगे बाइबल कहती है कि उन्होंने क्या किया, वो ऊंचे स्वर में उन्होंने जय जयकार किया। उनके हालात इतने खराब थे, वो अंधे थे, शायद भीख मांगने का काम करते होंगे, उनका सहारा कोई नहीं था, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते होंगे। उन्होंने उस दिन शायद उनके जीवन में ना उन्होंने आज तक परिस्थिति को कोसा होगा, अपने हालात को कोसा होगा, कुड़कुड़ाया होगा, रोया होगा, लेकिन उस दिन उन्होंने जोर जोर से जय जयकार किया, हे दाऊद की संतान। दाऊद की संतान मतलब मसीहा। तीसरी बात क्या है पता है? उन्होंने कान से सुना विश्वास से, पैरों से चले विश्वास से, उन्होंने जुबान से कबूल किया, तू दाऊद के संतान मतलब तू मसीहा है। अब तू मसीहा ही है जो आज हमें इस अंध दृष्टि को हमें अच्छी दृष्टि देने वाला है। आगे ओ दाऊद के संतान, वाह, इसी जुबान से उन्होंने जय जयकार किया, इसी जुबान से उन्होंने खुदावन के पास से आंखें नहीं मांगी। गौर से सुनो यहाँ पे, उन्होंने ये नहीं कहा हे दाऊद के संतान तूने बार्तिमाई को आंखें दी ना मुझे भी आंखें दे दे, उन्होंने ये कहा हे दाऊद के संतान पहले हम पर दया कर। पहले उन्होंने क्षमा मांगी, पहले उन्होंने वहां पे अपने गुनाहों का अंगीकार किया, अपने अपराधों का अंगीकार किया। और बाइबल कहता है कि जो मुंह से अंगीकार करता है और हृदय में विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है। उद्धार में आत्मा को हमारे चंगाई मिलती है, शरीर को भी चंगाई मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर इन अंधों ने यहाँ पे एक तीसरी विश्वास की बात है, उन्होंने इसी जुबान से उसका जय जयकार किया। इस उन हालात में शायद उनके हालात भट्टीचर हालात थी, शायद वो अंधे हालात में थे, उनके लिए कुछ भी अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस भीड़ के अंदर, बड़ी भीड़ थी लेकिन जय जयकार करने वाले दो ही लोग थे, अंगीकार करने वाले दो ही लोग थे, यीशु मसीह को मसीहा कहकर स्वीकारने वाले दो ही लोग थे। हालेलुया। आज भले दुनिया यीशु को कुछ कह रहा है कहने दो, लेकिन हमारे घरों से हम कहेंगे यीशु मसीह हमारा जीवन का दाता है और वही हमारा उद्धार करता है। आमेन। आगे चलते, तो घरत गेले वर यीशु मसीह ने
उनको बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भी महत्व नहीं दिया। वहाँ पे देख के अनदेखा किया जैसा किया। क्या यीशु मसीह इतना दुष्ट है क्या? क्या इतना उसके अंदर रहम दिल नहीं है जो प्यार का परमेश्वर कहलाता है? लेकिन यीशु मसीह अंधों को जांच रहा था। यीशु ने जांचा उनको। कैसे जांचा? यीशु ने देखा इन्होंने विश्वास से सुना, ये विश्वास से मेरे पीछे पीछे आ रहे, ये विश्वास से मेरे नाम की जय जयकार कर रहे, ये विश्वास से अपने गुनाहों को अंगीकार करते हुए दया की याचना कर रहे। लेकिन इनकी अभी सही इनकी जो परीक्षा है ना, वो परीक्षा इस घर के अंदर है। वो उस घर के अंदर चला गया। वो देख रहा था क्या इनके अंदर वो जुनून है, वो विश्वास है, वो हौसला है कि इस घर के अंदर भी आकर वो मेरी महिमा करे। आज मुझे आपको बताना है इस घर के अंदर आगे क्या हुआ। देखो नंबर चार का विश्वास बहुत वास्तव वचन यहाँ पे बाइबल कहता है, जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। अभी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बात समझिए, जिस घर में वो गया था ना, उस घर वाले, उस घर के लोग यीशु के पास नहीं थे, लेकिन ये बाहर वाले दरिद्री लोग, अंधे लोग, फटीचर हालात के लोग, उन्होंने ये नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी, वो घर वाले क्या कहेंगे, मुझे हकार देंगे, हमें धुतकार देंगे, हमें अपमानित करेंगे। लेकिन उस घर में जाने के बाद उन्होंने भले ही उनकी आंखों की दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा की दृष्टि जागृत थी। यीशु मसीह जिस जगह पर जाकर खड़ा था या जिस आसन में जाके बैठा था, बाइबल कहती है कि उस घर के अंदर उस घर के लोग उसके करीब नहीं थे, उसके पास नहीं थे। लेकिन ये अंधों ने चौथी बात आपको बताई, केवल आंखों से सुनकर विश्वास करना ये काफी नहीं है, केवल विश्वास करते हुए उसके पीछे पीछे चलना ये भी काफी नहीं है, केवल उसको जय जयकार करके अंगीकार करना ये भी काफी नहीं है, लेकिन उसके आगे दुनिया क्या कहती है कहने दो, लेकिन उसके करीब हमें जाना बहुत करीब। बहुत सारे लोग यीशु को बहुत दूर रखते हैं, बहुत पीछे पीछे रहते हैं। इन अंधों ने, जैसे यीशु उनका बड़ा भाई है, यीशु उनका कोई सगा संबंधी है, उस तरीके से शायद वो घर में जाते वक्त शायद उनकी बहुत बड़ी सर्कस हुई होगी, किसी के पैरों को कुचला होगा, लड़खड़ाए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य जो था, अपना विनिंग पोस्ट जो था यीशु मसीह, उन्होंने सोचा ये घर वाले जो कहते कहने दो, हम जिसके पीछे पीछे आए, जिसका पीछे हमने जय जयकार किया है, जिसके पास हमने दया मांगी है, वो जब तक दया नहीं देगा हम उसके करीब आएंगे। हालेलुया, उसके करीब आ गए। बाइबल कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मसीह लोग होते परिवार में, सालों से मसीह होते, लेकिन वो सालों से वो परिवार मसीह के पास नहीं आता है। कुछ मसीह परिवार केवल ट्रेडिशनली यीशु के पास आते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर। लेकिन यहाँ पे हमें सीख मिलती है, इन अंधों ने यहाँ पर उस घर वालों के पास, जो घर वाले थे उनसे अधिक विश्वास से आगे उसके पास गए। आज मुझे बताना है कि आज की रात खुदावन चाहता है जो कोई मेरे पास आएगा, मेरे करीब आएगा, मैं उसके जीवन में अद्भुत काम करूं। हालेलुया, ये छोटी बात आज हमें विश्वास में, क्योंकि बाइबल कहता है वो है इस विश्वास से जो आएगा उसको दिलो जान से। मुझे आपको बताना, इन लोगों ने दिलो जान से उस घर के अंदर यीशु मसीह को खोजा, भले उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने यीशु कहाँ बैठा है, किस जगह पर है, उस जगह पर जाकर शायद एक अंधा दाहिने हाथ को बैठा होगा, दूसरा अंधा बाएं हाथ को बैठा होगा, और यीशु के करीब बैठकर शायद वो बिलक बिलक कर रोते होंगे, खुदावन हमें आंखें नहीं चाहिए, शायद उनसे पाप हुआ होगा, इस पाप के कारण उनकी आंखें चली गई होंगी, शाप के कारण उनकी आंखें चली गई होगी, अब उनको भी पता था कि यही मौका है कि यीशु यहाँ पे आएगा नहीं, पता नहीं, इसलिए उन्होंने एक ने यीशु का दाहिना हाथ पकड़ा होगा, एक ने बाया हाथ पकड़ा होगा, और यीशु के करीब जैसे उसके कोई सगे संबंधी है। आज अगर यीशु के साथ ऐसा रिश्ता आप जोड़ोगे ना, तो मुझे आपको बताना, आप कहीं पर भी हो, आपके घर में आज यीशु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, आगे चलते। तब यीशु उनसे बात कर रहे, कब? जब उन्होंने सुना, जब उसके पीछे पीछे आए, जब उन्होंने जोर से जय जयकार किया, वो बातें होने के बाद वो घर में आए, यीशु के करीब आए, तब यीशु ने बात की। कुछ कुछ लोग कहते हैं यीशु ने मुझसे बात की, यीशु ने सब दुनिया के काम छोड़कर उसी से बात करना रखा है। यीशु बात करता है ना, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है।
कुछ तो भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको दिलो जान से ढूंढना पड़ता है। दुनिया क्या कहती कहने दो, लेकिन जो यीशु के करीब आता है ना, यीशु उससे बात करता है। आज के बाद यीशु आपसे बात करना चाहता है, आज के बाद आपकी बीमारी के बारे में बात करना चाहता है, आपकी परेशानी के बारे में बात करना चाहता है, आपकी समस्या के बारे में बात करना चाहता है। आज यीशु आपको करीब से जांचना चाहता है, लेकिन आज उसके करीब आना है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर के करीब आओ ताकि वो आपके करीब आ जाए। हालेलुया। आज हम केवल बहुत दूर रहते, अब दूर से कहते यीशु हम पर दया कर। इसका मतलब ये नहीं है, हमने उन 10 कोढ़ियों को देखा था जिन्होंने दूर से चंगाई प्राप्त की थी, लेकिन यहाँ पे इन अंधों को देखते जिन्होंने करीब आकर यीशु का मुंह खोला, वो आशीषित मुंह उनसे बात कर रहा था, वो आशीषित शब्द उनके करीब उनके कानों पर पड़ रहे थे। उनको आंखों से मतलब नहीं था, आंखों को देने वाला खुदावन वो उनसे बात कर रहा था, यही उनके लिए बहुत बड़ी आशीष थी। हालेलुया। आगे यीशु मसीह क्या कहता है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। आगे बाइबल कहता है जब वो घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उनको सवाल किया, भले वो आंखों से अंधे थे लेकिन उन्होंने जो सुना था वो कानों से बहरे नहीं थे, भले उनका एक शरीर का अंग काम नहीं कर रहा था लेकिन बाकी अंग काम कर रहे थे। आज की बात परमेश्वर यीशु आपको सवाल कर रहा है, क्या मैं आपको बरकत देने में समर्थ हूँ, क्या आपके भीतर वो विश्वास है कि जिस विश्वास से आज परमेश्वर आपको सवाल कर रहा है, क्या ये करने में मैं समर्थ हूँ, क्या इन बातों से जो आशीष तुम्हें चाहिए वो सब करने में मैं समर्थ हूँ। आज खुदावर आपको सवाल कर रहा है, क्या कह रहा है वो, क्या तुम्हें ये विश्वास है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। हर एक व्यक्ति को यह सवाल है, क्या तेरी मिनिस्ट्री में मैं काम कर सकता हूँ, क्या तुझे चंगाई दे सकता हूँ। शायद कोई बिस्तर में पड़ा होगा, आज उस व्यक्ति ने कान खोल कर सुनना, यीशु मसीह कहते हैं क्या मैं तुझे बिस्तर से उठा सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पे बैठा है जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या तेरे हार्ट की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूँ। कोई किडनी प्रॉब्लम वाला है, क्या तेरी किडनी को मैं चंगा कर सकता हूँ, क्या तेरे लंग्स को मैं चंगा कर सकता हूँ, क्या मैं तुझे कर्जे से बाहर निकाल सकता हूँ, क्या मैं तेरे बच्चों का अच्छा भविष्य कर सकता हूँ। तो मुझे आपको बताना है, जब मैं पूछ रहा हूँ आप कमेंट्स में लिखो यस आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको ठीक लगता है वो कमेंट्स करो। यीशु मसीह आज आपको पूछ रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। इन अंधों के मुझे इस घर में आने के बाद, घर किसका, घर में बैठा है कौन, घर में आया है कौन, घर वालों ने तो बात ही नहीं की। इसलिए जो पैदाइशी मसीह है ना, वो यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करते नहीं, वो केवल नाम के ही मसीह है। लेकिन ये सच्चे मसीह जो है ना, फटीचर हालात के अंधे मसीह, वो यीशु के साथ कम्युनिकेशन कर रहे। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह जब उसको पूछ रहा है, क्या मैं ये करने में, क्या करने में समर्थ है, दो बातें करने में समर्थ है, चंगाई देने में समर्थ है, हमें दया देने में समर्थ है, हमें उद्धार देने में समर्थ है। आज इन बातों में आज हमको यीशु को बड़ी आवाज में कहना होगा। जब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। अरे क्यों नहीं कर सकता है यीशु, तू अगर उस याइर की मरी हुई बेटी को अगर जिंदा कर सकता हूँ तो हमारी मरी हुई आंखों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने ये सुनकर आए थे यीशु के पीछे, याइर के घर का चमत्कार सुनकर वो आए थे। इसीलिए जब यीशु ने ये कहा, उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु। हालेलुया। उनका जो हा है ना, वो हा कॉमन हा नहीं है, पावरफुल हा, यस यू कैन डू इट। आज कहो प्रभु मेरे हालात कुछ भी है लेकिन तू मेरी हालात को बदल सकता है। हाँ प्रभु मेरी परिस्थिति जरूर बदलेगी, मेरा पारिवारिक जीवन जरूर बदलेगा, मेरे बच्चों का जीवन जरूर बदलेगा, मुझे आशीष जरूर मिलेगी, मुझे चंगाई जरूर मिलेगी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। जब हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे ना, यह है जिंदा विश्वास। भले उनकी आंखें मरी हुई थी, उनकी दृष्टि नहीं थी, लेकिन आत्मिक आंखें खुली हुई थी। और इसीलिए जिंदे विश्वास के साथ यहाँ पे जो आपने कहा कि यीशु के पास जाने वाले ने ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और इसी बात को दोहराते हुए ये अंधे कहते हाँ प्रभु, तू केवल हमें चंगाई नहीं देगा तो तू हमें पापों की क्षमा भी देगा। आमेन। आज की रात
चंगाई के साथ साथ पापों की क्षमा भी ले लो। लेकिन वह सवाल कब है, क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत सी बार हमारा विश्वास लटखड़ा जाता है, हमारा विश्वास नॉन बिब्लिकल बातों में चला जाता है, इसलिए हम प्रॉपर फेथ पे नहीं आ जाते। दिस इज द नाइट ऑफ कम टू प्रॉपर फेथ। ये रात है, हमें एक सही विश्वास में आने की रात है। और आज की रात हमें जय जयकार के साथ कहना है, भले आज आप कर्जे में डूबे हो, लेकिन कहो हाँ प्रभु, इस कर्जों से मेहनत रोजी रोटी में तू मुझे छुटकारा देगा। भले आज आपके घर में कोई बीमार है, कहो हाँ प्रभु, मेरे घर के व्यक्ति आज चंगे हो जाएंगे। भले आपके हाथ में रोजी रोटी नहीं है, कहो हाँ प्रभु, तू जरूर मेरे हाथ को रोजी रोटी देगा। हालेलुया। आज अगर इस विश्वास से आप चलोगे, ये है जिंदा विश्वास। इसलिए हमने इब्रानी 11:6 का वचन का चुनाव किया कि ये परमेश्वर को संतुष्ट करना विश्वास के बिना अनहोना है। उसके पास जाने वाले ने यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसको दिलो जान से जो खोजता है वो उसे इनाम देता है। हालेलुया। आज इनाम की रात है, आज की रात आपकी इनाम की रात है। शायद वो इनाम शारीरिक होगा, शायद वो भौतिक होगा, आत्मिक होगा, मानसिक होगा, पारिवारिक होगा। ये पांच क्षेत्रों के इनाम लेकर, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का अनॉइंटिंग लेकर आज रात खुदावन आपके घरों में आपको वो इनाम देने जा रहा है। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हो यीशु ये करने में समर्थ है? क्या यीशु ये कर सकता है? तो आज कहो हाँ प्रभु, तू कर सकता है। इन अंधों ने यीशु को देखा नहीं कैसा दिखता है, लेकिन उन्होंने सुना था, हाँ अगर याईर की बेटी जिंदा हो सकती है तो हमारी मरी हुई आशा जिंदा हो सकती है, हमारे मरे हुए ख्वाब जिंदा हो सकते है, हमारा मरा हुआ भविष्य जिंदा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा हाँ प्रभु। आगे तब उन्होंने परमेश्वर यीशु ने उसकी आंखों को छुआ। बहुत सारे लोगों को छूने के लिए बहुत लालायत होते हैं, लेकिन यीशु का छूना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे लोग मीटिंग में गए थे, देखो यीशु छू रहा है, छू रहा है। ये सारी बनावटी बातें आज बहुत सारी जगह पर फैलाई जाती है। अगर यीशु का प्रॉपर टच अगर आपको चाहिए ना, एक सही टच अगर आपको चाहिए ना, उसके लिए विश्वास से सुनो, विश्वास से चलो, विश्वास से पुकारो, विश्वास से उसके करीब आओ, और विश्वास से कबूली दे दो हाँ तो आज मेरे जीवन में काम करेगा। तब वो अपने हाथों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरा हाथ आपके कैमरे के पास करते हुए, इस फोन के ऊपर करते हुए, यीशु ऐसे ने छुएगा। आज की रात आपको विश्वास से सुनना होगा, विश्वास से चलना होगा, विश्वास से जय जयकार के साथ अंगीकार करना होगा, विश्वास से उसके करीब आना होगा। तब बाइबल कहती है यीशु ने उनको हाथ लंबा करते हुए उनको छुआ। आगे तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यीशु ने ये नहीं कहा मैं हाथ लगा रहा हूँ चलो देखना शुरू कर दो। यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। क्या हो? केवल चंगाई नहीं, पाप क्षमा। तुम्हें दया के साथ कृपा भी मिल जाए। दया हमें पापों की क्षमा देती है, और कृपा हमें उद्धार के साथ चंगाई और बरकत और छुटकारा देती है। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के द्वारा आज के बाद क्या चाहिए आपको? केवल चंगाई चाहिए? नहीं। अगर आज के बाद मांगना है तो अपने अपराधों की, गुनाहों की क्षमा मांगो, और कहो कि प्रभु मुझे दया भी चाहिए और कृपा भी चाहिए। आज आपको इन दोनों बातों को खुदा के पास मांगना होगा। और यीशु ने क्या कहा? पावरफुल अनॉइंटिंग के अनुसार ऐसा हो, ऐसा कहा यीशु ने? ये कहा मेरे सामर्थ्य नाम के अनुसार हो। उन्होंने क्या कहा यीशु ने? तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। क्या था उनका विश्वास? विश्वास से सुनना, विश्वास से चलना, विश्वास से अंगीकार करना, विश्वास से उसके करीब आना। ये चार बातें यीशु मसीह ने वहां पे उनकी देखी थी। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम्हारे ये विश्वास के अनुसार हो। उनका टाइम खत्म हुआ, वो जमीन के अंदर भी चले गए। नाउ आवर टाइम। आज यीशु कहता है तुम्हें बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए, वेल सेटल सेवकाई चाहिए। तुम्हारे विश्वास के अनुसार आज की रात हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार आज की रात तुम्हारे लिए स्वर्गीय परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुम्हारे लिए आज की रात हो। आज क्या विश्वास लोगो? अगर इस विश्वास से चलोगे ना, क्या हुआ आगे देखो, पढ़ते दृष्टि आली। बाइबल कहती है और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उनको चिताकर कहा, वार्निंग देकर कहा, यहाँ पे दिया है सावधान, कोई इस बात को ना जाने। आगे
तरी ते तेथे निघून गेल्यावर परंतु उन्होंने निकलकर ते अवघ्या देशात उस सारे देश में त्यांनी त्याची कीर्ति गाजविली, उसका यश फैलाया या उसके नाम को फैलाया। दो इवांजेलिस्ट मिले परमेश्वर को, दो इवांजेलिस्ट। ये दो इवांजेलिस्ट जो पहले अंधे हुआ करते थे, दरिद्री अवस्था में थे, फटीचल हालात में थे, पाप और गुनाहों में थे, इन दो इवांजेलिस्ट को यीशु मसीह ने छुआ। छूने के बाद ये लोग हमको सिखाते हैं, जब खुदावन आपके जीवन में कुछ करते हैं ना, तो यीशु मसीह का नाम, उसका यश सारे माहौल में फैला दो, आपके मोहल्ले में फैला दो। मैं जब देखता हूँ ना, जब मुर्दा जिलाया गया ना, थोड़ा सा पीछे आएंगे हम, 26 वचन क्या कहता है पढ़ेंगे। मुर्दा जब जिलाया गया, याजिर की बेटी जब जिलाई गई ना, वहां पे शब्द क्या है? अब अंधे जब ठीक हो गए तो वहां पे शब्द क्या है? 26 इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अभी यहाँ पे चर्चा है, मराठी में दिया है वर्तमान, मराठी में दिया है कीर्ति, एक जो 31 वचन में मराठी में दिया है कीर्ति सारे देश में फैल गई। मेरे हिंदी बाइबल में दिया है उसका यश सारे देश में फैल गया। मुर्दा जिंदा होने के बाद केवल वर्तमान फैल गया है, लेकिन ये दो अंधे जब ठीक हुए ना, तो याइर का ये कर्तव्य था कि याइर इनसे भी बड़ा काम कर सकता था, याइर इनसे भी बड़ा खुदा का काम, क्योंकि वो आराधनालय का सरदार था। लेकिन ये दो अंधे, उनको बताया गया था सावधान, ये बातें किसको ना बताए। यीशु ये बातें क्यों कह रहा था? एक तो पहली बात, यीशु को फेमस नहीं होना था, और दूसरी बात, यीशु समय से पहले लोगों को प्रकट होना नहीं चाहता था। लेकिन तो भी ये लोग यीशु से इतना मोहब्बत करते थे, उन्होंने यीशु मसीह की कीर्ति वर्तमान बताना, ये एज इज इट बताया जाता है, वर्तमान पत्र बातमी खबर एज इज इट बताया जाता है। अभी हमें भारत के देश के न्यूज चैनल मसाला लगा के बताते, वो अलग बात है, लेकिन एक वर्तमान एज इज इट बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन अंधों ने एक अद्भुत काम किया है, यीशु मसीह की कीर्ति या यीशु मसीह का यश सारे देश में फैलाया है। ये दो लोगों ने सारे देश को जाकर बताया, वो यीशु है जिसने हमारा जीवन बदला है। जब वो किसी भीड़ के सामने जाते होंगे, तब वो वहाँ पे खड़े रहते होकर कहते होंगे, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है, यीशु ने मुझे चंगा किया 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 है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। शायद उन्होंने इस तरीके से, याइर ने केवल वर्तमान दिया होगा, वह यीशु मसीह आए थे रास्ते में, 12 साल की लेडी ठीक हो गई, जस्ट वर्तमान चर्चा, हिंदी में दिया चर्चा की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में, बस्तियों में, खेती बाड़ियों में जाकर उन्होंने आराधना करते हुए बताया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे, अलग अलग राज्यों से भीड़ आती है, गलील से आती है, कफरनहूम से आती है, शमरोन से आती है, नाना प्रकार की जगह, दकापोलिस से आती है, अलग अलग प्रांत से, बाइबल कहती है, मेरे ख्याल से मत्तई का 5वां अध्याय वचन 45 में दिया है कि यीशु के पीछे अलग अलग, नहीं पढ़ेगा भाई, लो ऐसा ही, क्योंकि वहां पे दिया है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग यीशु के पीछे आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? ये दो इवांजेलिस्ट थे जो पहले अंधे थे, जो एक अच्छे सुसमाचार बन गए, जिन्होंने यीशु के नाम को सारे देश में फैलाया, और देश देश के लोग, यीशु जंगली दरख्तों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, जंगली स्थानों में रहता था, लेकिन बड़ी भीड़ उनके पीछे जाती थी। शायद मुझे ऐसा लगता है इस काम के पीछे ये दो लोगों का काम है, ये आखिरी विश्वास का काम, विश्वास से परमेश्वर के काम को फैलाना। क्या जब फैला रहे हमारे व्यक्तिगत जीवन से,
सेवकाई से कुछ लोग आज जावे पहाड़ों में जावे जंगलों में जावे फैसलॉर्ड प्रभु उनको अब आशीषित करे, लेकिन कोई इसको बिजनेस ना बनाए। केवल किस जगह पर मुझे कुछ ऑफरिंग मिलेगा या बाहर से कुछ सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए मुझे केवल एक प्रकार से जैसे कुछ लोग कुछ सेवकाई केवल दिखावे की करते हैं, इन लोगों ने कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया। उन्होंने सारे देश में जाकर प्रचार किया और सारे देश को बताया यीशु केवल दया नहीं करता है तो कृपा भी देता है, वो केवल हमें पापों की क्षमा ही नहीं करता है तो हमें चंगाई भी देता है, वो केवल चंगाई नहीं तो हमें पापों की क्षमा करते हुए उद्धार भी देता है, क्योंकि उद्धार देने के लिए वो काबिल है। हालेलुया। आज वो आपको आज के बाद वो चाहता है कि आज आप उसकी अभिवाई आप उसको ऊंचा उठाए। आज विश्वास से आपने सुना होगा, अभी समय आए विश्वास से उसके पीछे चलना, भले हालात बिगड़े। यीशु सुने या ना सुने, यीशु ने सुनकर अनसुना किया, वो निराश नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कब से हम उसका जय जयकार कर रहे हैं, दाऊद की संतान कह रहे हम उसको कह रहे हम पर दया कर, लेकिन ये इतना अकड़ रहा है, ये सुनकर अनसुना कर रहा है। उन्होंने पेशेंस रखा, धीरज रखा, जैसे यीशु जिस घर में घुस गए ना वो भी उसके पीछे पीछे घुस गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो निराश नहीं हुई, अंधे लोगों ने हमें अच्छा संदेश दिया है। परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन हर दिन आशा के साथ उस जिंदा विश्वास के साथ दिलोजान से उसको खोजो, आज की रात आपको वो प्रतिफल या इनाम देने वाला है। हालेलुया, आइए हम चलते हैं आराधना में। और ये समय है थोड़ा आज संदेश बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो 15 मिनट हम प्रार्थना में देते वो 15 मिनट हम पूरे देंगे। आप आपकी प्रार्थना विनतियों को जल्दी जल्दी आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना शुरू कर दो, तब तक हम आराधना का एक गीत शुरुआत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। Lord Jesus, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। लॉर्ड जीसस, तू हमारे जीवन की रोटी और तू हमारा जीवन का पानी है जो हमें तृप्त करता है राजा। Thank you, Lord Jesus. मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही की कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही की कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ, तू आ जा रे, 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 ओ यीशुआ तू आ, तू आ जा रे। यस लॉर्ड जीसस, आज आज हर एक के जीवन में जैसे उन्होंने दो को अपने नई जिंदगी दी, आज से लोगों के गुजरे। मेरे सर पे हाथ तेरा,
देता है हर पल साथ मेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ, तू आ जा ले, ओ यीशुआ तू आ, तू आ जा ले, ओ यीशुआ तू आ, तू आ जा ले, यीशुआ तू आ, तू आ जा ले। यस लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। आपकी प्रार्थना विनती आप भेज सकते हो, मैं भेज रहा हूँ, मुझ विनती आई हुई है। वादा किया है उसने बख्शीश के साथ, स्वर्ग में था मेगा यीशु मेरा। वादा किया है उसने बख्शीश के साथ, स्वर्ग में था मेगा यीशु मेरा। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आई एम दुआ करते सिस्टर पिंकी पवार, इन्होंने माझ्या भावासाठी प्रेयर करा, त्याला सर्दी व खोकला आहे। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके भाई के लिए दुआ करते कि प्रभु शायद इस सर्दी और परमेश्वर खांसी के वजह से उनके मन में अलग अलग शक आते होंगे, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को यीशु नासरी के नाम में हम डांटते और धमकाते इसी वक्त आज उनके भाई के जीवन से चली जाए। और खुदावन आपके कोड़े खाने से एक पत्र 2:24 के अनुसार आज सिस्टर पिंकी पवार के भाई पूरी तरह से चंगे हो गए। दुआ करते प्रभु जी आज डेविड पगार इस बच्चे ने जो परमेश्वर जो प्रार्थना विनती दी है, उनके भाई मामा जो अविनाश उनके फैमिली के लिए, उनके व्हीकल के बिजनेस के लिए, उनके मामा आकाश के लिए उनके बिजनेस के लिए, साई ब्रदर सिस्टर के लिए प्रभु दुआ करते। भाई डेविड पगार है उनके मामा के लिए, अविनाश और आकाश के लिए, दोनों के परिवार को हम आशीषित करते हैं, दोनों जो कामकाज करते हैं, दोनों की रोजी रोटी को आप बरकत देना, आप सभी प्रकार की कुवत देना, उनके परिवार को आशीषित करना, उद्धार के साथ सभी प्रकार के छुटकारे उनके जीवन में हो जाए, उनके सारे घर के बच्चे आशीषित हो, सारे परिवार को प्रभु आशीष मिलती रहे, और सभी लोगों को तेरे राह पे चलने के लिए अगुवाई करना, और सारी बंदिशों को और बंधनों को जो उनके ऊपर है यीशु के नाम में तोड़ देते, उनके परमेश्वर व्हीकल बिजनेस को, टूरिस्ट बिजनेस को अच्छा बिजनेस मिलता रहे। आप जो भाई अविनाश जो काम करते उस काम में उनको परमेश्वर आपकी बरकत मिले, अविनाश प्रभु आकाश को भी जो काम वो करते उसमें उनको बरकत मिलती रहे यीशु के नाम में। भक्त ने सुना और ग्रहण कर पिता, थैंक यू जीसस। प्रभु हम दुआ करते सिस्टर मेरी पार्टी के लिए, जिस परिस्थिति से प्रभु जी परिवार को गुजरना पड़ा, यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी इस परिवार को आप आपका कंफर्ट देना, आपकी सांत्वना, आपकी शांति, आपका आनंद देना, इस परिवार का माहौल जो परमेश्वर दुख में उसे आनंद में परिवर्तित करना, आपकी हुजूरी उतर कर आए हुए परिवार आशीषित हो, और परिवार के हर सदस्य यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित रहे, और उनका जीवन आशीषित बना रहे, कोई चीज की कमी घटी उनको ना हो, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में मंडराती रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पास्टर राजवाला उन्होंने जो गवाही दी है, ब्रदर ललित वैवागर उनके लिए हम दुआ कर रहे थे, हम ही नहीं सभी लोग दुआ कर रहे थे, सारी महिमा खुदावन को देते हैं कि परमेश्वर ने उनको
उनको पूरी चंगाई दी है और वो जल्दी अपने घर में आज पहुंच गए, इसलिए हम खुदा उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। डेविड पगारीच, रॉबर्ट पगारीच घराच बांधकाम व्हावं यासाठी, फायनान्स मिळावं, घर बांधून व्हावं यासाठी धन्यवाद परमेश्वर पित्या, तुझी स्तुती करतो बापा। प्रकारे परमेश्वर राजा जे काही त्यांच्या घराचं बांधकाम चालू आहे परमेश्वर राजा, ते वेळेमध्ये व्हावं परमेश्वर राजा, आणि जे आर्थिक अडचण आहे बापा ती देखील येशूच्या नावामध्ये पुरवली जावे परमेश्वर राजा। असं कार्य आज येशूच्या नावामध्ये करून येऊ दे बापा, आणि कुटुंबे बापा पुन्हा एकदा त्या नवीन घरामध्ये त्या आनंदानं यावं असं कार्य घडवणारा आमचा परमेश्वर आहे बापा। एक विनंती आहे की जेव्हा तुम्ही प्रार्थना सांगताना तर काय प्रॉब्लेम साठी प्रार्थना करायची ना ते डिटेल मध्ये लिहा। जसं आता पिंकी पवार यांनी लिहिलं प्रे फॉर माय मॉम, मग कशासाठी प्रार्थना करायची ना तर तो उल्लेख करा तिथं, म्हणजे अनेकांना कळते या प्रॉब्लेम साठी ते पण प्रार्थना करतील, कारण आमचं पूर्ण चर्च या गोष्टीसाठी प्रार्थनेमध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे। तर कृपया तुम्ही विनंती देताल तर पर्टिक्युलर त्या प्रार्थनेची व्यवस्थित माहिती द्या। प्रभूजी प्रार्थना करतो, परमेश्वर प्रभू आज त्याच्या मॉमसाठी प्रार्थना करतो, जो त्रास असेल जे दुखणं असेल येशूच्या नावात निघून जाऊ दे, तुला मात्र मालाच्या वाया आणि उत्तम आरोग्य जे त्यांना प्राप्त होऊ दे। प्रार्थना करतो परमेश्वर मणी लोखंडे यांच्या सासूसाठी, त्यांच्या पोटात खूप त्रास होत आहे, बीपीचा त्रास होत आहे, दोन्ही पोटाचा आणि बीपीचा त्रास येशूच्या नावामध्ये मी बाइंड करतो, आणि प्रभू येशूच्या नावात त्यांच्या शरीरातून धपकावून आखडून लावतो, तुझं रक्त त्यांच्यावरती शिंपडतो, डिक्लेअर करतो येशूच्या त्या फटके खाल्ल्याच्या द्वारे त्यांची सासू पूर्णपणे निरोगी झालेली आहे येशूच्या नावात मागतो। आमेन, आमेन। महिमा पवारसाठी प्रार्थना करा, देवामध्ये अधिक वाढण्यासाठी, आणि पास्टर राजू अल्लाट यांच्यासाठी प्रार्थना करा, त्यांचा कसा दुखत आहे। धन्यवाद परमेश्वर राजा, आज महिमा पवार या लेकराला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा, तुझ्यामध्ये वाढण्यासाठी विशेष बापा, सर्व जगिक आकर्षण या लेकरापासून आज येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे बापा, आणि ते लेकरू तुझ्याकडे आकर्षित जावं बापा, असं कार्य आज येशूच्या नावामध्ये करून दे बापा। आज आम्ही बापा तुझा दास परमेश्वर पित्या राजू अल्लाट यांच्यासाठी मागत आहोत परमेश्वर बापा, आज जे काही त्यांच्या घशामध्ये दुखणं आहे बापा, आज ते या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे बापा, आणि तुझी सेवा करण्यासाठी बापा त्यांना ती घसा एकदम येशूच्या नावामध्ये मोकळा होऊ दे, कुठल्या प्रकारचा त्रास त्यांना होऊ देऊ नको बापा, आणि कुठल्या प्रकार बापा त्यांच्या सेवेमध्ये कुठल्या प्रकारचा अडखळ येऊ देऊ नको, असं कार्य आज आमचं भाऊ राजू अल्लाट यांच्या जीवनामध्ये येशूच्या नावामध्ये घडवणारा तू आमचा जीवन परमेश्वर, स्तुती करत तुझ्या नामान धन्यवाद येशूच्या नावान मागतो म्हणून तूच आहे। आमेन, आमेन। प्रभुजी हम दुआ करते हैं हमारे भाई राकेश विश्वकर्मा के लिए, जो परमेश्वर आज छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है। प्रभु जी हम उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं और आज भी इस लाइव सेशन में दुआ करते हैं। भाई राकेश विश्वकर्मा जो अन्य जाति से आकर तेरे अद्भुत सेवकाई परमेश्वर अपने राज्य में उकर रहे, लेकिन प्रभु जी पिछले 3 साल से उनका दाहिना पैर जो काम नहीं कर रहा है, जो पैरों में बहुत सारी इलाज करने के बाद भी परमेश्वर आज चंगाई नहीं है, खुदावन आज मैं तेरे दास के लिए परमेश्वर तेरे पास मांगता हूँ कि ये दास प्रभु जी चंगा हो जाए, ताकि परमेश्वर पूरा छत्तीसगढ़ यीशु नासरी के नाम में प्रभु परमेश्वर तेरे नाम के यश के लिए प्रभु जी बढ़ाया जाए, जैसे इन दो अंधों ने सारे देश को प्रभु जी तेरे नाम के यश के लिए फैलाया, प्रभु तेरा नाम सभी जगह पे परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य फैलाया। मैं विनती करता हूँ कि प्रभु ये तेरा दास बिस्तर पे है, और प्रभु जी शैतान ने जो हमला किया है वो हमला यीशु के नाम में, उस योग को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, और प्रभु जी तेरा सुपरनैचुरल काम, तेरा सुपरनैचुरल हाथ, वो अलौकिक हाथ आज इसी वक्त जिस बेड पर हमारे भाई सोए हुए आज उस बेड पर आए, उनके उस शरीर के उस अंगों पर घूमना शुरू कर दे, वो करारना वो दर्द आज जड़ से चला जाए, क्योंकि तू अपने कलाम को भेजकर भजन सहित 107 बीत में कहता है कि मैं चंगाई के साथ साथ गढ़ों से बाहर निकालता हूँ, यहाँ पर हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रभु तेरे कलाम के द्वारा होती है। ओ तेरा निर्गम 15:26 का चंगाई का वचन, ओ परमेश्वर यीशु के नाम में भजन सहित 41:3 का चंगाई का वचन, या 53:5 का चंगाई का वचन, 1 पत्र 2:24
सगाई का वचन, ये सारे वचन आज भाई राकेश विश्वकर्मा के लिए, उनके पैरों के लिए हम भेजते यीशु के नाम में और डिक्लेयर करते यीशु के कोड़े खाने से वो पैर पूरी तरह से तंदुरुस्त हुआ है, वो अपने बलबूते पर चलना फिरना शुरू कर रहे। जो काम रुका हुआ है परमेश्वर बिलासपुर में, जो काम रुका हुआ है अलग अलग जगह पर उनके लिए, वो काम बड़े सामर्थ्य से, बड़ी कुवत से, बड़ी शिद्दत से यीशु के नाम में आज उनके द्वारा होने दे। तेरा दास तेरी महिमा का कारण बने, दुष्ट के सारे वो जलते तीर यीशु के नाम में विश्वास के उस ढाल के द्वारा हम बुझा देते, दुष्ट के सारे प्लानिंग हर एक वो मंसूबे यीशु के नाम में नष्ट नाबूद करते। और भाई के लिए निर्मया 29:11 घोषित करते, उनके लिए, हमारी बहन के लिए, उनकी पत्नी के लिए मांगते जो काम वो कर रहे उसके काम में उसकी बढ़ोतरी कर। दोनों उनके बच्चों के लिए मांगते, उन बच्चों के लिए कोई भी कमी घटी ना रहे, ये बच्चे आत्मिक शस्त्र बन जाए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए, ऐसा ये परिवार बन जाए। ये विश्वकर्मा परिवार जो परमेश्वर कट्टर परिवार से आया हुआ है, लेकिन आज वो तेरे कट्टर विश्वासी बन गए, आज उनको प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं विश्वास करता हूँ आज की रात खुदावन जो उन अंधों के जीवन में तूने किया है उससे बेहतरीन बात आज भाई राकेश के जीवन में आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर खुदा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप द लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू। ओके, रोहिणी सुधीर सालवे, प्रेज लॉर्ड। भैया फैमिली प्रेयर, माय हस्बैंड सुधीर रोहिणी सालवे फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापूर मधून आहेत ते। रोहिणी सुधीर सालवे त्यांच्या कुटुंबासाठी, त्यांच्या पतीसाठी, परिवारासाठी, प्रत्येक गोष्टीच्या आशीर्वादासाठी धन्यवाद परमेश्वर बाप्पा, तुझी स्तुती करतो बाप्पा। रोहिणी सुधीर सांबळे परमेश्वर राजा, या बहिणीला, तिच्या कुटुंबाला परमेश्वर राजा, आज आम्ही तुझ्या संरक्षणशाली हातामध्ये देतो बाप्पा। आज त्यांच्या कुटुंबामध्ये असणारा प्रत्येक लहान तर व्यक्ती तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा, जी त्यांची अडचण आहे परमेश्वर राजा, जी त्यांची गरज आहे बाप्पा, सर्व काही जाणणारा तू आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बाप्पा। आज ती प्रत्येक गरज तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून आमच्या बहिणीच्या कुटुंबासाठी आज येशूच्या नामामध्ये पुरवली जाऊ दे बाप्पा। स्तुती करत तुझ्या नामाला धन्यवाद येशूच्या नावाने मागते म्हणून तुझाही। आमेन आमेन आमेन। प्रभुजी हम दुआ करते हैं दीपक जो खुदावन जो नांदेड़ में है, उनकी अच्छी चंगाई के लिए, उसी के साथ साथ उनके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु के नाम में। आज हम दुआ करते हैं भाई दीपक के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखना, जो नांदेड़ में है उनको सभी क्षेत्रों में प्रभु आशीषित करना, उनकी सेवकाई को बढ़ोतरी में लेकर जाना, उनका आत्मिक जीवन ऊंचे लेवल पर आ जाए। आप प्रभु वो तेरे पीछे चलने वाला, आप प्रभु जैसे उन अंधों ने तेरे नाम का यश सारी उस देश में फैलाया, वैसे पूरे नांदेड़ में तेरे नाम का यश फैलाने के लिए भाई का इस्तेमाल करते यीशु के नाम में मांगते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू। ओके, प्रार्थना विनतियां रुकी हुई है तो आइए हम फाइनल प्रेयर की ओर चलते हैं। खुदावन यीशु के नाम में दुआ करता हूँ राजा, जो कोई भी परमेश्वर आज इस लाइव सेशन में जुड़ा हुआ है, आज मैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर आज मैं विनती करता हूँ, तेरे अनुग्रह का हाथ यीशु नासरी के नाम में उन पर प्रभु आज लगा, प्रभु उनकी सारी जरूरतों को तू फिलिपी 4:19 के अनुसार तू पूरा कर। जिसको चंगाई चाहिए चंगाई दे दे, छुटकारा चाहिए बरकत चाहिए कुवत चाहिए ब्रेकथ्रू चाहिए, ओ परमेश्वर एक अच्छी सेवकाई चाहिए, एक अच्छा मुकाम चाहिए, यीशु के नाम में उन्हें प्राप्त हो जाए। सारी दिक्कतें सारी परेशानियां उनके जीवन से यीशु के नाम में चली जाए। आप खुदावन वो विश्वास से सुने, वो विश्वास से तेरे पीछे पीछे चले, वो विश्वास से तेरे नाम का जय जयकार और अपने जीवन का अंगीकार करे, वो विश्वास से तेरे करीब आए और वो विश्वास से वो कबूल करे कि हाँ तू सब कुछ आज भी कर सकता है, और वो सब होने के बाद तेरे नाम का यश सभी जगह पर वो फैलाए, ऐसा अनुभव तू उनको दे दे। अगर कोई मुझे दिखने वाले में से अगर किसी को खुदावन अगर परमेश्वर ब्रेन की समस्या यीशु के नाम में वो चली जाए, हर ब्रेन ट्यूमर उनके जीवन से चला जाए, हार्ट में अगर कुछ समस्या है, हर एक हार्ट के ब्लॉकेज यीशु के नाम में चली जाए, प्रभु लंग्स और लीवर की समस्या यीशु के नाम में दूर की जाए, किडनी स्टोन यीशु के नाम में चली जाए, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु के नाम में। अगर दिखने वाले में से अगर कोई किसी को कोई गुप्त रोग की बीमारी है, फिशर है या पाइल्स है या ऐसी कोई भी परमेश्वर तो परमेश्वर चमड़ी की बीमारी है या कोई भी त्वचा रोग है, ये सभी प्रकार की घुटनों की समस्या हड्डियों की समस्या यीशु के नाम में इसी वक्त चली जाए। जो कोई भी परमेश्वर अगर कोई मेरी बहन है ब्रेस्ट कैंसर से प्रभु जी वो तड़प रही है, किसी वक्त उसके ब्रेस्ट में से वो ब्रेस्ट की वो गुठली यीशु के नाम से इसी वक्त चली जाए। एवरी ब्रेस्ट ट्यूमर आई कमांड यू आई रिब्यूक यू ओ राइट नाउ डिसअपीयर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
प्रभु इसी वक्त वो आपकी बीमारी चली जाए, खून की कैंसर की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम में ठीक हो जाए, ओ प्रभु जी बोन कैंसर की बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। आप प्रभु जी जो देख रहे जो देखेंगे उनकी ये सभी प्रकार की बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से इसी वक्त चंगी हो जाए खुदावर, ओ प्रभु छू लेना के जीवन को। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सालों से जिस बहनों को परमेश्वर बच्चों की आशीष नहीं है उनकी सुनी कोख उनकी सुखी कोख आज हरी भरी हो जाए, आज उस कोख को परमेश्वर जैसे उन अंधों की आंखों को तूने छुआ वैसे उस कोख को तू छू लेना आप प्रभु जी, उस कोख में उन बच्चा दानी में परमेश्वर प्रभु एक बच्चे की आशीष उतर कर आ जाए प्रभु, अगर उनमें कुछ वीकनेस है पति पत्नी में वीकनेस है जो भी शारीरिक कमजोरी आए यीशु के नाम में चली जाए, आप वो परिपूर्ण माता पिता बन जाए पूरे सामर्थ्य से बन जाए, वो ताकत और कुवत यीशु मसीह के नाम ने अल शदाई का सामर्थ यहोवा रापा नाम की चंगाई उनके वैवाहिक जीवन में उतर कर आ जाए, आप उनको इसी साल बच्चों की गुड न्यूज मिल जाए, धन्यवाद देते नए साल में उनके हाथ में जैसे आलिशा नबी ने कहा था जैसे खुदावन जैसे अब्राहम के पास उस हेब्रोन में उन लोगों ने आकर कहा था कि वसंत ऋतु जब आएगा तू अपने गोद में बच्चे को खिलाएगी, यीशु के नाम में ये आशीष आज हर एक बहन के जीवन में आ जाए, अब उनको बच्चे प्राप्त हो जाए, बच्चों की आशीष उन्हें मिले केवल एक बच्चा नहीं तो बच्चे मिले अनेक बच्चे मिले ऐसा मैं दुआ करते खुदावन परमेश्वर, अगर उनके लिए अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया है कोई भी विचक्राप्त है पीढ़ियों के श्राप है यीशु के पवित्र लहू में आज हम उसको क्लियर कर देते हैं, victory in the holy blood of Jesus, healing in the holy blood of Jesus, miracle in the holy blood of Jesus, breakthrough in the holy blood of Jesus, और डिक्लेयर करते कि वो सूनी कोक यीशु के नाम में तू भर दी है, धन्यवाद देते प्रभु जी, परमेश्वर टीबी के बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में, एड्स की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, आप प्रभु जी उनके जीवन में किसी के परिवार में दिक्कत चल रही है परिवार में कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी घमंड से भरा हुआ है जिसके लिए परिवार टूटने के रास्ते पर है प्रभु उस व्यक्ति को तो बदल क्योंकि तू नफरत करता है प्रभु जी परिवार टूटने से, उनके परिवार में तेरी शांति और तेरी अमन उतर कर आए आनंद से वो परिवार चलता रहे एक दूसरे को समझने वाला अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट में वो चले ऐसा अनुग्रह तू कर खुदावर, मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में जिनकी शादियां नहीं हो रही कितने सालों से, मैं विनती करता हूँ यीशु के नाम में उनकी शादियों के लिए एक उपयुक्त वर या एक उपयुक्त वधू एक सही साथीदार उनको मिल जाए, आप उनको परमेश्वर उनकी वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत मिल जाए ऐसा अनुग्रह तू कर दे, इसी साल में प्रभु उनकी शादी की गुड न्यूज उनको मिलने दे खुदावर, ये साल का 11वां महीना है ये 11वां महीने की पहली तारीख में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उनके वैवाहिक जीवन में काम करो एक अच्छा साथीदार उनको मिल जाए, प्रभु जी हम दुआ करते यीशु के नाम में विनती करते इस COVID-19 के बीमारी के द्वारा जो जो लोग झुलस रहे जो परमेश्वर क्वारंटाइन में जो परमेश्वर हॉस्पिटलाइज है जो परमेश्वर आईसीयू में वेंटिलेटर में यीशु के नाम में प्रभु उनको छू लेना और उस कोरोना वायरस की बीमारी उसका अस्तित्व उनके शरीर से उनके खून से उनके परमेश्वर ब्रीदिंग में यीशु के नाम में पूरी तरह से चला जाए, और वो तंदुरुस्त होकर प्रभु जी उनकी बॉडी एंटीबॉडी बन जाए और वो अपने घर में सुरक्षित पहुंच जाए ऐसा अनुभव कर दे, एक पत्र 2:24 के अनुसार यीशु के कोड़े खाने से ये COVID-19 के सारे बीमार चंगे हो गए, धन्यवाद देते खुदावन वो दया कर कृपा कर तेरा अनुग्रह कर खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ तूने अद्भुत काम किया है, जिनकी शुगर की बीमारी है इसी वक्त यीशु के नाम में शुगर का शाप और ये बीमारी चली जाए, बीपी की बीमारी है यीशु के नाम से इसी वक्त ठीक हो जाए खुदावन, मिर्गी की जिनकी बीमारी है जिनको बार बार मिर्गी आती है जिनके ब्रेन को खून सप्लाई नहीं होता है वो खून सप्लाई होने के लिए उनकी सारी नसों के अंदर जो भी गुठलियां है यीशु के नाम में निकल जाए और उनको परमेश्वर ब्रेन टू परमेश्वर लेग और लेग टू ब्रेन वो परमेश्वर खून बहता रहे और आज की बात से उनको बीमारी वो मिर्गी की बीमारी फिर से काम ना करे, दया कर प्रभु जी सहायता कर सारे टाइफाइड के बीमार डेंगू के द्वारा जो वायरस के द्वारा आए बीमार सभी प्रकार की बीमार यीशु के नाम में क्षय हो जाए, दया कर कृपा कर प्रभु जी सभी लोगों को तू छू लेना जो देख रहे जो देखेंगे प्रार्थना को जो वो सुनेंगे और स्वीकारोगे उनके जीवन में अलौकिक और अद्भुत काम होने दे, धन्यवाद देते सारा आदर सारी महिमा आपको देते जो लोग देख रहे जो देखेंगे उन सभी को उनके परिवार समेत काम काज नौकरी और उनके सारे एजुकेशन के सहित तेरे लहू के अंदर मैं सील करता हूँ, तेरे लहू का बाड़ा उनके उससे बना रहे तेरे फरिश्तों का लश्कर उनके चारों ओर से खड़ा रहे और खुदावन स्पेशली
ते पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा उनके चारों से बना रहे। धन्यवाद देते मल्कुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो सब कुछ हमने पाया है। बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर लोग आएंगे आने वाले सेशन में प्रभु जी, लोगों के जीवन में तूने जो अद्भुत काम किया है वो गवाहियां सुनेंगे और तेरे नाम को आग ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद देते सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में एल शदा यहोवा पिता हम आपको देते हैं। जो मांगा है वो पाया है विश्वास जताते हुए, आपका इकलौता पुत्र जो सारे जहां का उद्धारक है उस यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपका जीवन सफल रहे, सभी क्षेत्रों में खुदावन आपको उन्नति में लेकर जाए। इस वचन को मन बीमारों के लिए फैलाओ ताकि बीमार लोग बिस्तर में वो सुनकर खुदावन उनको चंगा करे। सामर्थ्य यीशु मसीह में है, राजू ठाकुर में नहीं है। आपका लोगों को चंगाई देगा, छुटकारा देगा और आज का जो वचन है इस वचन को सुनकर वो सही क्षेत्र में चलेंगे, खुदा का काम बढ़ेगा, खुदा के नाम की महिमा होगी। इसलिए मैं विशेष विनती करता हूँ कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुदावन के नाम को आग ऊंचा उठाओ। आग अगर आपको मैसेज और आपको सुनना है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर पास्टर राजू ठाकुर अगर आप टाइप करोगे तो मेरा चैनल है वहाँ पर, आप उस मैसेज को देख सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोगों को शेयर कर सकते हो ताकि खुदा का कलाम और बड़े पैमाने में बढ़े और लोगों के जीवन में सही रीति से आशीष आए, एक जागृति आए, एक रियल रिवाइवल लोगों के जीवन में आए और खुदा के नाम को ऊंचा उठाया जाए। सबको खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष करे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के जीवन में परिवार में बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।